और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। अघोषित बिजली कटौती को लेकर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। नगर में बिजली सप्लाई तो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से और टैक्स वसूला जा रहा है नगरीय क्षेत्र के हिसाब से। आपको बता दें, जिले की छापी हेड़ा ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी ने नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बेमियादी कटौती को लेकर मंगलवार को विद्युत मंडल के कनिष्ठ उपयंत्री को ज्ञापन दिया। छापीहेड़ा ब्लॉक कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्तमान समय में बहुत अधिक गर्मी और मच्छरों का प्रकोप है एवं इस समय विद्युत विभाग द्वारा बेतहाशा घोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिसमें आमजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। तब विद्युत विभाग द्वारा मनमाने अत्यधिक बिजली के बिल भी दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विद्युत मंडल पहुंचकर विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री को एक लिखित ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि विद्युत कटौती अति शीघ्र बंद करें, अनियंत्रित बिजली बिलों में सुधार किया जाए, अन्यथा कांग्रेस और आमजन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। छापीहेड़ा नगर परिषद होने के बावजूद भी विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से बिजली की कटौती की जा रही है, परंतु टैक्स नगर परिषद के हिसाब से वसूला जा रहा है। वहीं विद्युत मंडल के कनिष्ठ उपयंत्री राकेश सिरोलिया का कहना है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा मिले निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से छापीहेड़ा में विद्युत कटौती की जा रही है। ज्ञापन देने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शाहिद खान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश टाक, भेरूलाल पाटीदार, डॉक्टर महेश नागर, फकीर मोहम्मद मंसूरी, रमेश चंद्र शर्मा, राजेंद्र सिंह झाला, इकबाल भाई, संजय मिश्रा, रशीद खान, शेरू बनावा महिला कांग्रेस नेत्री शीला कसेरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। खबर जगह न्यूज 24 राजगढ़ से ब्यूरो चीफ मुकेश बैरागी।